वेलकम टू स्टडी गो जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 46 से लेकर 50 तक के प्रोविजन। इन प्रोविजन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन नंबर 52 से लेकर 55 तक के प्रोविजन। तो बेसिकली ये प्रोविजन बताते हैं कि सिविल मामलों में एंड क्रिमिनल मामलों में कब करेक्टर रेलिवेंट हो सकता है और कब करेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा। तो करेक्टर है क्या चीज? करेक्टर कॉम्बिनेशन होता है क्वालिटीज का। कोई पर्सन बहुत ज्यादा ईमानदार हो सकता है, बहुत ज्यादा बेईमान हो सकता है, बहुत अच्छे नेचर का हो सकता है, बहुत ज्यादा बेकार नेचर का हो सकता है। तो ये सब चीजें बताती हैं किसी पर्सन का करेक्टर क्या है। किसी भी व्यक्ति का करेक्टर डिटरमिन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग बाहर से दिखाते हैं कुछ और अंदर से होते हैं कुछ। जो बाहर से दिखाते हैं वो लोगों की रेपुटेशन कहलाती है, और जो वो अंदर से होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन। तो यहाँ पर जितने भी सेक्शन हम करेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 48 को छोड़ के, एज पर सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम, उन सब जगह करेक्टर में इंक्लूड होगा रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। और सेक्शन 49 को छोड़ के रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन के रिगार्डिंग जब भी एविडेंस दिए जा रहे हैं तो वो उस रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन को जनरल सेंस में बता रहे होने चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर एक्ट की वजह से वो बता रहे हो कि मतलब किसी पर्सन ने कोई पर्टिकुलर एक्ट किया है तो उस एक्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं कि उस पर्सन की रेपुटेशन ये है या डिस्पोजिशन ये है। हमें ओवरऑल देखना होगा कि ओवरऑल कैसा रेपुटेशन है उस पर्सन का, कैसा डिस्पोजिशन है, उसी हिसाब से उसका यहाँ पर करेक्टर डिटरमिन किया जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में कहा कि सिर्फ इस वजह से कि कोई पर्सन एजुकेटेड है, गॉड फियरिंग है, भगवान से डरता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गुड रेपुटेशन वाला पर्सन है। अच्छे से अच्छा आदमी बुरे से बुरा काम कर सकता है, बुरे से बुरा आदमी अच्छा काम कर सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय साक्षी अधिनियम के इन प्रोविजन में बताया गया है कि कब सिविल मामलों में एंड क्रिमिनल मामलों में करेक्टर रेलेवेंट हो सकता है। तो आज के वीडियो में ये सेक्शन अपन लोग कवर करेंगे। बाकी अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सिविल केसेस में हम लोग देखेंगे कि कब करेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा और कब होगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में सेक्शन 46 में देखो क्या कह रखा है। ये बोल रहे हैं कि सिविल मामलों में चीज ये है, आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी ने कोई कंडक्ट अगर किया है तो उसका तो करेक्टर ही ऐसा था, दैट्स व्हाई ही डिड दैट कंडक्ट, या फिर उसका तो करेक्टर ऐसा है कि वो ये चीज कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि करेक्टर यहां पर इररिलेवेंट है सिविल मामलों में। इसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है कि कोर्ट को फोकस करना चाहिए केस के फैक्ट्स पर एंड देन डिटरमिन करनी चाहिए लायबिलिटी, ना कि किसी पार्टी के करेक्टर पर कोर्ट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करने लग जाए तो फिर करेक्टर के रिगार्डिंग एविडेंसेस वगैरह पेश किए जाएंगे कि नहीं हमारा तो करेक्टर ऐसा नहीं है। तो इससे होगा क्या, इससे जो कोर्ट का टाइम है वो वेस्ट होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो जज हैं बायस हो जाएं, इसलिए करेक्टर को ही रेलेवेंट नहीं रखा गया, कर लो क्या करो। तो सेक्शन 46 का जनरल रूल आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो सिविल मामलों में कि ओहो उस पर्सन का ना करेक्टर ही ऐसा है जिस वजह से उसने वो कंडक्ट किया, या फिर उसका करेक्टर ही ऐसा है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता, ये चीज तो इम्पॉसिबल है। तो करेक्टर का कोई रेलेवेंस नहीं होता है सिविल मामलों में। बट इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन आप लोग देखोगे सेक्शन 50 में, जहां पर ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के करेक्टर से कोर्ट के द्वारा अवार्ड की जाने वाली डैमेजेस की अमाउंट प्रभावित हो सकती है तो तब उस पर्सन का करेक्टर सिविल मामलों में हो जाएगा रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल जो प्लेंटिव है किसी एक्सीडेंट की वजह से हुए नुकसान के लिए डैमेजेस का क्लेम करता है, तो प्लेंटिव की ना हिस्ट्री खोल के रख दी जाती है कि ये प्लेंटिव है ही ऐसा और उसके ऐसे होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। मतलब कि जो प्लेंटिव है वो ऐसी एक्टिविटीज करता है हाई रिस्क वाली जिससे कि वो एक्सीडेंट की चपेट में आ जाए। तो यहाँ पर
अब जो डैमेजेस की अमाउंट प्लेंटिफ को अवार्ड करेगी ना कोर्ट, उसको अवार्ड करते टाइम प्लेंटिफ का ये करैक्टर रेलेवेंट होगा। सेकेंडली, अगर करैक्टर अपने आप में ही फैक्ट एन इशू है, सवाल ही यही है कि किसी पर्सन का करैक्टर ऐसा है या नहीं, इस चीज को ही कोर्ट ने डिटरमिन करना है, तो तब करैक्टर हो जाएगा पार्टी का रेलेवेंट। और इस चीज का एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है, ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना, इसके अलावा मैं कोई और से एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। तो होता यह है कि एक ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर जो कि 10 साल की है उसकी कस्टडी मांगती है, जो कि रह रही होती है अपने मम्मी और सौतेले बाप के साथ। तो यहाँ पर कोर्ट ग्रैंड मदर से पूछती है कि भाई ऐसा क्यों कस्टडी क्यों मांग रहे हो, तो ग्रैंड मदर ये इल्जाम लगाती है कि जो सौतेला बाप है वो बहुत ज्यादा हरामी है, मतलब उसका करेक्टर बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वो उस 10 साल की बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज करता है, मारता पीटता है, गालियां देता है, तो ऐसे माहौल में जो बच्ची है वो सीखेगी क्या? और उसको नहीं पता है ये चीज की, ये चीज उसके साथ उसका सौतेला बाप कर रहा है सेक्सुअली अब्यूज करना, वो सही है या गलत, ठीक है? तो यहाँ पर अब ये चीज डिस्प्यूटेड पॉइंट है कि क्या सौतेले बाप का करैक्टर ऐसा है। तो अब यहाँ पर जो करैक्टर है इस कस्टडी के मामले में हो जाएगा रेलेवेंट, क्योंकि ये फैक्ट एन इशू है। और आखिरी एक्सेप्शन सेक्शन 46 में दे रखा है कि अगर करैक्टर भारतीय साक्षी अधिनियम के किसी अदर सेक्शन में रेलेवेंट हो रहा है, तो तब उस करैक्टर के रिगार्डिंग एविडेंसेस वगैरह दिए जा सकेंगे। ओके, अब क्रिमिनल केसेस में करैक्टर की क्या कहानी है, कब रेलेवेंट होता है कब नहीं होता है, तो इस चीज के रिगार्डिंग सेक्शन 47 में कह रहे हैं कि एक्यूज पर्सन का प्रीवियस गुड करैक्टर क्रिमिनल मामलों में रेलेवेंट होता है। ये तथ्य रेलेवेंट होता है कि एक्यूज गुड करैक्टर वाला पर्सन है। लेकिन एज पर सेक्शन 49 ये तथ्य कि जो एक्यूज है वो बैड करैक्टर वाला है, ये चीज क्रिमिनल मामलों में रेलेवेंट नहीं होती है। ये है जनरल रूल, बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जिनके तहत बैड करैक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि देखो ये जो एक्यूज पर्सन है ये बैड करैक्टर वाला पर्सन है। लाइक कब? जब एक्यूज एविडेंस दे रहा है उसके गुड करैक्टर के रिगार्डिंग, तो फिर उसके रिप्लाई में ये चीज खंडित करने के लिए कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये देखो हमारे पास एविडेंस है जिससे प्रूव होता है कि ये बैड करैक्टर वाला है, और ये एक्सेप्शन सेक्शन 49 में दे रखा है। इसके अलावा अगर जो बैड करैक्टर है एक्यूज पर्सन का वो खुद ही फैक्ट एन इशू है, कोर्ट को ये चीज डिटरमिन ही करनी है कि जो एक्यूज है वो बैड करैक्टर वाला है क्या, ठीक है, तो तब भी बैड करैक्टर के रिगार्डिंग एविडेंस दिया जा सकता है, और ये एक्सेप्शन दे रखा है सेक्शन 49 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। थर्डली, एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 49, अगर एक्यूज का प्रीवियस कन्विक्शन उसके बैड करेक्टर के एविडेंस के रूप में रेलेवेंट होता है, तो तब उस पर्सन के बैड करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 48 ये बताता है कि सेक्शन 64 से लेकर 71 तक एंड सेक्शन 74 से लेकर 78 तक, ये सही कर लेना पहले, भारतीय न्याय संहिता में जो ऑफेंसेस मेंशन है ना सेक्सुअल ऑफेंस वाले, उन ऑफेंसेस का जब प्रोसिक्यूशन चलता है या उनके अटेम्प्ट का जब प्रोसिक्यूशन चलता है, तो क्या वहां पर जब सवाल ये आता है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम है उसकी कंसेंट थी या नहीं, तो क्या उस विक्टिम के करैक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, या फिर उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या था, इस चीज के रिगार्डिंग एविडेंस दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि ये दोनों ही चीजें रेलेवेंट नहीं है इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि कंसेंट थी या नहीं, क्वालिटी ऑफ कंसेंट जो है इस चीज के रिगार्डिंग विक्टिम के करैक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होता है। और इन पॉइंट के रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल जवाब भी नहीं किए जा सकते हैं रेप की जो विक्टिम है उससे, और ये बात भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 149 के प्रोविजो में दे रखी है। और इस पॉइंट से रिलेट करके सेक्शन 120 भी आप याद कर सकते हो भारतीय साक्षी अधिनियम का, जो कि ये कहता है कि रेप के जो मामले होते हैं ना वहां पर जब सवाल आता है कि महिला जो है ना विक्टिम उसकी कंसेंट थी या नहीं, और अगर उसने कह दिया कि कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट उसके इस कथन का मान रखेगी और प्रिज्यूम करेगी कि महिला ने कंसेंट नहीं दी थी, और ये प्रिजम्पशन जो कोर्ट लगाएगी कि कंसेंट नहीं थी महिला की, महिला के कहने पर ये प्रिजम्पशन होती है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको रिबट किया जा सकता है बाय द एक्यूज इस चीज के कॉन्ट्ररी प्रूफ करके। तो बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा एक्यूज के ऊपर कि वो प्रूफ करे कि महिला जो है ना रेप वाली विक्टिम उसकी उस एक्ट में कंसेंट थी। तो यहाँ पर आपके करैक्टर के रिगार्डिंग जो प्रोविजन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। लास्ट में कंपैरिजन देख लो, भारतीय साक्षी अधिनियम में जो सेक्शन नंबर 46 हमने पढ़ा उसकी जगह इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 52 होता था, सेक्शन 47 की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 53 होता था, सेक्शन 48 की जगह सेक्शन नंबर 53A होता था, सेक्शन नंबर 49 की जगह
सेक्शन नंबर 54 हुआ करता था एंड सेक्शन नंबर 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था सेक्शन नंबर 55। तो आज की वीडियो में ये प्रोविजन हो चुके हैं कंप्लीट। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद ज़ीनत उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशियरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेस करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेस करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।